हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज आप सबों के बीच RRB ग्रुप डी 28/9/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसी डेट का आपका शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। जो भी न्यू व्यूवर हैं उस वीडियो को नहीं देखें, आप देख लें। आज आपके बीच प्लेटफॉर्म बुक जो रुक्मणी पब्लिकेशन का रीजनिंग का वॉल्यूम 2 चला रहे हैं, तो चलिए हम लोग आज 26 से देखते हैं, क्योंकि 25 तक था उसमें, 25 तक सॉल्व कर दिए। 26 से देखिए, 26 नंबर में कथन और तर्क दिया हुआ है। इसको ध्यान से पहले क्या कीजिए, कथन को पढ़िए ध्यान से। कथन को पढ़ने के बाद उस तर्क का जो आप देखिए क्या कथन के अनुरूप है कि नहीं, है तो सत्य है, नहीं है तो गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या कथन दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सरकार को सामान्य अस्पतालों में एलोपैथिक दवाओं के साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली को भी बढ़ावा देना चाहिए। तर्क, हाँ, इससे यह सुनिश्चित करेगा कि लोग दोनों चिकित्सा प्रणालियों में से सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सके। सही बात है, कथन के ही अनुरूप है। दूसरा, नहीं, एलोपैथिक प्रणाली में सभी बीमारियों के लिए उपचार है, इसलिए स्वदेशी प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ये गलत है। सिर्फ जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, तर्क सत्य होगा, तर्क फर्स्ट सत्य मजबूत है, ठोस है। यह ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका 26 का बी केवल फर्स्ट, तो समझेंगे। आइए हम लोग 27 नंबर देखते हैं। 27 देखिए क्या कह रहा है कि विकल्पों में से कौन सा दिए गए चित्र का निकट सदृश है, मतलब निकट के सदृश देखने में समान है। पहले जैसे प्रश्न आकृति दिया इसका, उसके समान कौन सी आकृति है यह बताने के लिए कर रहा है। यह देखिए आपका जो फेस देख रहे हैं, यह मुस्कुराता हुआ चेहरा है, तो वह देखिए उसका आकृति जो, और उस मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, पहली वाला जो है, पहला वाला तो सट गया ऑप्शन में, और तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं उसमें भी सटा हुआ है, और चौथा हम देखते हैं कि उससे जो है उस त्रिभुज जैसा आकृति जो, उससे वो बाहर निकल गया है। लेकिन आपका लगभग मिलता जुलता जो है बी नंबर, आकृति नंबर बी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है। चलिए इसका 27 का सी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी, समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 में, देखिए सीरीज भरना है, भरी यहाँ 9, 9, यहाँ 9, 8, 7 है, इसका मतलब 6 होगा। चलिए इसको भरने के लिए डॉट डॉट रहने दीजिए। अगले देखते हैं, यहाँ पर 4, 4, 4, लास्ट में 4 है, इधर बढ़िए 6, 5 और 4 है, इसका मतलब यहाँ पर 3 हुआ। ऐसे आप लोग जांचिए, पूरा ऑप्शन पूरा नहीं लिख रहे हैं, पूरा लिखने के बाद अलग अलग करके इतना लिख कर देखिए, इस ऑप्शन मिल रहा है 6, 3, 4 कहीं मिल रहा है, 6, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। अब बीच में इसका मतलब वही भराएगा, भर लीजिए सब एक, जैसे यहाँ पर दिया हुआ 1, 1, 1, 1 है, तो 1 क्या होगा यहाँ पर भी, तो समझेंगे इस क्वेश्चन को, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, कह रहा है उपर्युक्त आकृति का जल प्रतिबिंब बताओ। देखिए 9, 1, 2, 8, 7 इस तरह से 9, 8, 8 दिया गया, उसका जल जल प्रतिबिंब किसको कहते हैं, ऊपर से नीचे उल्टे, या ऊपर नीचे से ऊपर उल्टे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल प्रतिबिंब कहते हैं। 9 है लिखा हुआ, 9 आपका लिखा हुआ, 9, 9 को उल्टेंगे तो 9 आपका हो जाएगा ऑप्शन, देखिए 9 को उल्टेंगे जल प्रति ऊपर से नीचा, ऑप्शन नंबर बी एक को मिल धरा गया, इसका ऊपर लिखा उल्टेंगे एक नंबर ऑप्शन नंबर बी 9, देखिए इसको उल्टेंगे ऐसे हो जाएगा आकृति, ये डी नंबर तो होगा नहीं, सी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, एक धरा गया ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी, तो डायरेक्ट है, पूरा जांचने की जरूरत नहीं। आप देखिए एक दो को अंक देखिएगा मिल रहा है, ठीक है नहीं मिला था और आगे जांचेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 30 नंबर देखते हैं क्या करा है कि विकल्प आकृति में दी गई आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए संयुक्त की गई, इस आकृति को बनाने के लिए किस कौन सा आकृति लेकर हम संयुक्त बने, विकल्प आकृति ऑप्शन नंबर ए एक नंबर ऐसा दिया है पिन की तरह, उसका कोई जरूरी नहीं, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुज, त्रिभुज हाँ त्रिभुज तो है जरूरी, देखिए यहाँ इसे त्रिभुज है, ध्रुव से त्रिभुज, त्रिभुज की जरूरत है, ऑप्शन नंबर सी बेलन दिया हुआ है, बेलन की आकृति यहाँ देखिए इसका भी जरूरत है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ले लीजिए डी चतुर्भुज, उसका कोई जरूरी नहीं, और बी और सी केवल की जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, बी एंड सी जरूरत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 का देखते हैं, कथन क्या कर रहा है, कथन और कर तर्क देना है, लोगों को यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तर्क, हाँ इससे अधिक बर्बादी होती है, कम से कम स्कूलों में उन्हें बच्चों को फाउंटेन पेन या जिन्हें वे फिर भर सकते हैं को प्रमोट करना चाहिए। सही बात है, ये जो आपको पहला आंसर सही है, फाउंटेन पेन रहेगा तो उसमें दोबारा हम रिफिल भर सकते हैं, और ऐसे तो पेन में नहीं भर सकते हैं, ये पहला कथन सही, तर्क सही। दूसरा, नहीं बहुत सारे पेन उपलब्ध है, इसका कम उपयोग क्यों करना चाहिए, एक कथन का रूप एक गलत है आपका, ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट जो है तर्क सही है, तो इसका आंसर जो होगा डी नंबर होगा, केवल फर्स्ट तर्क सही है। आगे विषम को पहचान करें, विषम को आपको पहचान करना, जैसे आकृति देखिए
वृत्त है, पंचभुज है, चतुर्भुज और त्रिभुज के अंतर्गत जो है एक दिखे मुस्कुराता हुआ चेहरा है, पहला ये मुस्कुरा रहा है, दूसरा नंबर भी मुस्कुरा रहा है और चौथा नंबर भी मुस्कुरा रहा है चेहरा, चेहरा देखिए स्माइल की तरह है, मुस्कुरा रहा है, स्माइल जो कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका चेहरा जस्ट इसका उल्टा दिया, शेड जैसा दे दिया है, तो इसका फेस जो देख रहे हैं ऑप्शन सी का अलग है, उससे सब तीनों आकृति से भिन्न है, तो इसका आंसर आंसर क्या होगा, सी नंबर सी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए। चलिए आगे देख लेते हैं, 33 नंबर हम लोग देते हैं, 33 में श्री दिया हुआ है, क्या कर रहा था 33 में समझिए, यहाँ तीन है दो है, इसका 33 का एक घटा है 6 बारह, एक घटा 6 बारह, एक घटा 6 बढ़ेगा, इसका मतलब 12 6 18, ऑप्शन आप मिला लें। इसका देखिए ओ ए टी एच बराबर इतना लिखा हुआ है, ओ ए टी एच बराबर इतना है, तो तब इसका अल्टर बराबर क्या, देखिए ओ का समय 15, ए 1 3 20 ए 4, स्थानीय मान सिर्फ लिखा है a 1 l 12 t 20 e 5 r 18, मिला लीजिए इसका ऑप्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए 35, 35 में भी अभी श्री दिया हुआ है, बताइए इसका 51, 51 से 46 आ गया, कितना घटा 5, ये फिर 5 घटा, इसको फिर 5 घटा दें 36, 5 41 हो जाए, इसका 5 5 घटा है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। 36 कहता है रेत का संबंध खुरदरा से है, इसका संबंध रेत कैसा होता है खुरदरा, तो कपास कैसा होता है वही पूछा, ऑप्शन तो देखिए लाइक्रा, कपड़ा, नाइलॉन, मुलायम, कपास तो मुलायम होता है, कपास मुलायम होगा, इसका आंसर मुलायम होगा, आप मिला लें ऑप्शन नंबर डी मुलायम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 37 का, देखिए कह रहा है कि कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष दिया है, एक छोटे बच्चों ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा पसंदीदा है, सबसे पसंद कर रहा है लड्डू को, एक बच्चा कर रहा है, ये कथन दिया हुआ निष्कर्ष, उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं, एक गलत है, मिठाई तो पसंद लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद है उसको कौन सा, लड्डू, पहला गलत है, सही में क्या कर रहा है, उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है, कहना गलत है लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा लड्डू, आगे उनके लिए ये उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है, ये गलत है, यो कहना आपके कथन रूप अनुरूप गलत है, दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर डी हो गया। 38 का देखिए आपका सीरीज दिया हुआ है, 38 का आप सीरीज बनाए, देखिए क्या कर रहा था, देखिए एन है, n 14 n 14 2 16 2 18 18 2 20 t 20 होता है, नहीं भाई दो दो बढ़ रहा है, देखिए n का जो इकाई अंक 14 होता है 4 लिखा है, p का 16 होता है 6 लिखा है, r का 18 होता है 8 लिखा है, t 20 होता है तो इसका 0 होगा, t 20 तो 0। अब देखिए o 15, 15 2 17 2 19 19 2 21, u 21 होता है, उसी तरह ओ का वो 15 होता है 5, q 17 होता है 7, s 19 होता है 9, u 21 होता है तो 1 t फिर हो गया 0 u 1। चलिए इसको समझ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला देखते हैं 39 कि इस आकृति में देखिए कह रहा है कि खाली स्तंभ क्या भराएगा, पहला और दूसरा आकृति, पहला जैसे दिया हुआ है वहाँ पर जो आकृति जो दिया हुआ है तो उस ओ को हम लोग देखेंगे, उसको बढ़ाएंगे, ई कोना से ई कोना गया पहला के साथ दूसरा, उसी तरह तीसरा का अगर देखते हैं तीसरा के साथ चौथा कैसा बने, तीसरा के साथ अगर ऊ कोना में है तो उस कोना का जो है इस कोना इस साइड चल जाएगा, हम लोग देखते हैं वैसा आकृति किसमें है, मिलाइए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो ये भी कोना है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो वो भी कोना है, ए और डी ऑप्शन जो है दोनों लगभग सेम ही मिल रहा है, तो ए और डी देखिए ऑप्शन जो इसका दोनों सेम ही मिल रहा है, तो इसका थोड़ा सा जो है लगता है प्रिंट इसका मिस हुआ, इसको इस आकृति जो बीच में जो ये लकीर जो खींचा गया इस तरह से यहाँ पर जो दिया हुआ इसको थोड़ा सा यह ऐसे यहाँ पर होना चाहिए था, तो आपका तब इसका आंसर डी हो जाता है, तो डी आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि ए और डी जो है लगभग सेम, कौन आंसर कहिए थोड़ा सा मिस हुआ है तो इसको हम लोग डी कर लें, इसको अलग थोड़ा सा इससे इधर बीच में कर दें, बस डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी, 40 का क्या कर रहा है, बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए, कह रहा है बिजली अगर हम बचाएंगे बिजली कटौती करेंगे, तर्क हाँ इससे बिजली बचाने में मदद मिलेगी और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ेगा, तो बिजली कटौती हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि बराबर आपका बराबर फैक्ट्री सब रहता है वहाँ सब में बिजली का उपयोग करता है, तो बिजली कटौती कैसे करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखें हाँ इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ता है, ये कहना गलत है, कटौती नहीं कर सकते हैं, नहीं बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, जिन संस्थानों को 24x7 यानी कि 2400 घंटा ज़रूरत है और गुना सात, सात दिन और 2400 घंटा की ज़रूरत है बिजली की आवश्यकता होते हुए प्रभावित होंगे, सही बात है, तो जहाँ ज़रूरत है
तो वहाँ तो आवश्यकता होगा ही, वहाँ प्रभावित हो जाएगा अगर बिजली का हम लोग कटौती करेंगे तो। चलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है केवल दो मजबूत है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए 41 कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से आपको बताना है वेन डायग्राम, इटालियन, स्पेनिश और भाषा। देखिए इटालियन और स्पेनिश दोनों भाषा ही है, ये अगर हम लोग देख लें तो ऑप्शन नंबर यह डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। तो हो जाएगा यह हमारे ऊपर वाला भाषा हो गया, एक इटालियन एक स्पेनिश हो जाएगा, बाहर वाला क्या होगा भाषा होगा, इटालियन स्पेनिश। चलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर हम लोग समझते हैं। 42 नंबर देखिए, 42 नंबर दिया हुआ है क्या, नीचे दिए गए विकल्प का संभव कौन सा उपयुक्त होगा। तो हम लोग देखते हैं इसको कौन सा आकृति जो है अलग होता है। जैसे एक नंबर लेते हैं, एक नंबर ओम को ध्यान दीजिए, ओम जो है कोना में है, उस कोना से नीचे आया, नीचे से फिर जो है उस साइड जो है बाईं ओर चले गया, बाईं ओर से फिर ऊपर की ओर जाएगा ओम। तो ओम जो देखिए ऊपर की ओर किस आकृति में है, बाईं ओर से ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर सी एक ही आकृति में है। तो एक फिगर से ही आपका आंसर धरा जाता है, अगर शायद दो को दिया रहा हम एक और आकृति को जांचते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका आकृति नंबर सी हुआ आंसर, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो 42 का बी ऑप्शन नंबर बी आकृति नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं 43। पेट्रोल कार कहता है पेट्रोल और कार का संबंध है, तो पेट्रोल की आवश्यकता अगर कार में होती है तो विद्युत की आवश्यकता किस में, कमरा में, गलत अंधेरा में, गलत वस्तु में, गलत बल में जरूरत पड़ेगा, तो इसका आंसर बल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि आपका दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज का काउंटिंग करने के लिए कह रहा है। चलिए हम लोग काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 त्रिभुज हुआ प्लस। अब देखिए इसमें गिनिएगा, 1 2 3 4 चार का डबल कर दीजिए, 4 दो ना 1 2 3 4 का डबल 4 दो ना 8 आठ को जो हुआ इस आकृति में, 8 को समझेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको बराबर गिनेंगे इस यहाँ से, 1 फिर यहाँ से 2 फिर यहाँ से 3, 3 को समझेंगे, 3 को बराबर हुआ, फिर आगे चलिए 3 हो गया, अब प्लस, अब इधर से गिने इसे 1 फिर इधर से यहाँ से इसे हुआ था 1 हुआ था, फिर यहाँ से इधर से 2 हुआ, तो 2 हो गया इसका। अब जोड़िए 8 6 14 14 3 17 17 दो कितना हो गया 19 हो गया। 19 होने के बाद जो है एक ई वाला लीजिए यहाँ से, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 19 एक 20 और एक बड़ा वाला जो सबसे बड़ा है 20 एक 21, दो को और बढ़ गया, तो टोटल आकृति आपका 21 ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी जाँचेगा 18 पूरा, 18 से ज़्यादा पूरा रहा था, आप ऑप्शन नंबर डी जाँच लें। इसे हमने काउंटिंग करके भी बता दिया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 लीला दक्षिण को 3 किलोमीटर जाती है। सबसे पहले देखिए हम लोग डायरेक्शन पहले माए उत्तर नॉर्थ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस तरह से दे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। अब कह रहा है कि लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाती है, दक्षिण किधर होता है नीचे को, 3 किलोमीटर दक्षिण गई लीला 3 किलोमीटर, फिर जो है एक चौराहे को बाईं ओर मूर्ति और सड़क के सामने एक मौके 500 मीटर जाती है, वह 500 मीटर चल गई 3 किलोमीटर, फिर 500 मीटर लीला चली किधर बाईं ओर, इसका बायां किधर होता है इधर किसका दक्षिण का। तब बताएं कि प्रारंभिक स्थान से कौन सा है, तो प्रारंभिक स्थान ये था, देखिए यहाँ से नहीं पूछ रहा था, इस बिंदु को यहाँ पर धर देंगे, यहाँ पर जब इसको धर देंगे देखिए यहाँ से इसे कोना कोनी यहाँ आ रहा है, यहाँ कौन सा दिशा हो, यहाँ देखिए उत्तर था दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, मिला लें आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला देखिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर, 46 नंबर में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या कौन सा समूह से संभिन्न है, भिन्न को छांटना है, छिद्र, झालर, रिक्त, दरार। छिद्र कहिए रिक्त कहिए दरार एक जैसा संबंध लग रहा है, और आपका अगर बी नंबर देखते हैं झालर, झालर तो अलग है, तो इसका जो है बी होगा आंसर झालर, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए, ए में बी दिया है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन आंसर क्या होगा बी झालर। अगला 47 का देखते हैं, कहता है हीट का संबंध 47 का, तो इसका 46 का आंसर हो गया झालर, तो ए नंबर ऑप्शन नंबर बी 47। कहता है हीट दिया हुआ है HEAT, हीट का संबंध कोल्ड से है, तब कह रहा है क्या के नाइट, नाइट का संबंध, के नाइट का संबंध किससे होगा, तो देखिए इसका संबंध जो हीट का संबंध कौन, गर्म का, गर्म है का उल्टा ठंडा,
ओके, नाइट का जो इसका होता है सुरवीर, सुरवीर सुरवीर होता है। इसका उल्टा क्या हुआ, सुरवीर का उल्टा डरपोक, और डरपोक का इंग्लिश क्या होता है, सी ओ डब्ल्यू ए आर डी, कोवर्ड। तो इसका आंसर हो गया सी, इसका हो क्या डरपोक, समझे, हीट गर्म ठंडा, सुरवीर डरपोक, मिलान इसका डरपोक सी नंबर आंसर होगा। इस तरह से दोस्तों आज आपके बीच आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो कि 28/9/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था उसका रीजनिंग और इस बुक में 26 से लेकर आपको 47 नंबर तक दिया हुआ था उसको सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिए, और इसके बाद जो चलेगा आपका आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 जो कि शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।